नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल प्रखंड में जंगली हाथियों का प्रकोप, एक को कुचला, चार गंभीर रूप से घायल। बकाया वेतन की मांग को लेकर राजस्थान सेवा सदन के स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन के मूड में। चौथा पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बावजूद जमशेदपुर रेड जोन में नहीं, प्रशासन सतर्क। और देश के विभिन्न भागों में फंसे 1500 यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन टाटा नगर स्टेशन पहुंची। आइए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। उधर चांडिल अनुमंडल में गजराजों का कहर जारी है। पिछले 30 घंटों में जहां गजराजों ने एक युवक की जान ले ली, वहीं एक बुजुर्ग समेत 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में गजराजों का कहर जारी है। पिछले 30 घंटों के भीतर गजराजों ने जहां एक युवक की जान ले ली, वहीं युवती समेत 2 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि तारकुआं स्थित पहाड़ी पर दातून और पत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर अचानक जंगली हाथियों के एक झुंड ने हमला कर दिया। इससे पहले कि ग्रामीण जान बचाकर भागते, बुधिया सिंह सरदार को हाथी ने पकड़ लिया और पटक कर घायल कर दिया। वृद्ध होने की वजह से वो भाग नहीं पाया। घायल को पहले चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर MGM रेफर कर दिया गया। उधर चांडिल अनुमंडल के फॉरेस्टर रमन कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल चाल जाना और सरकार की ओर से 10,000 रुपयों की सहायता राशि प्रदान की। इनको हाथी के द्वारा मतलब दौड़ाया गया था, वो चक्कर में गिर गए हैं, तो कहना है कि थोड़ा सूर में लगा भी है, लेकिन फिलहाल तो पैर में हल्का चोट है। वो तत्काल मुआवजा के रूप में हम लोग इलाज के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है तो दूसरी ओर बकाया वेतन, ग्रेड रिवीजन और इंक्रीमेंट की मांग को लेकर शनिवार को राजस्थान सेवा सदन अस्पताल के सारे स्वास्थ्य कर्मी काम ठप कर हड़ताल पर चले गए। कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है, मगर उनके इस तरह से काम ठप कर बाहर निकल जाने से पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है। ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान सेवा सदन में कर्मचारी लंबे समय से वेतन और भत्ते की मांग करते आ रहे हैं, मगर प्रबंधन द्वारा लगातार टाल मटोल की नीति अपनाने से वे काफी आक्रोश में हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि मार्च माह से उन्हें आधा वेतन ही मिला है और अप्रैल माह का पूरा वेतन बकाया है। वहीं हड़ताल की खबर पाकर प्रबंधन के राजेश रिंगसिया मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अस्पताल में रिवेन्यू नहीं आ पा रहा है, जिससे अर्थ संकट बढ़ गया है। मार्च का पेमेंट अभी तक नहीं गया, आधा पेमेंट दिया, आधा पेमेंट नहीं दिया। हर स्टाफ को आधा पेमेंट दे रहा है और आधा रख रहा है, और अभी जब मार्च का पेमेंट हुआ नहीं, अप्रैल का पेमेंट भेज दिया है, वो भी अप्रैल का आधा आदमी को दिया। ये वैश्विक महामारी फैली है, इसमें जो डॉक्टर 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं, उन डॉक्टर को सरकार के द्वारा भी मनाही है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस में नहीं है, जिसके चलते अभी हॉस्पिटल में फुल फ्लेज डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, और जो डॉक्टर आ रहे हैं हम लोग इमरजेंसी सर्विस चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग का जो रेवेन्यू है वो कम होगी। भले ही जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 4 तक पहुंच गई है, पर जमशेदपुर अभी भी रेड जोन में नहीं आया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती गई है। रेड जोन घोषित होने के लिए कई क्राइटेरिया है और या पॉजिटिव के डबल होने का रेट क्या है। फिलहाल शहर ऑरेंज जोन में ही है। उम्मीद है कि आगे बेहतर ही होगा। फिलहाल मुसाबनी क्वारंटाइन सेंटर से पॉजिटिव मरीज को टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है। उधर 4 पॉजिटिव मरीज के आ जाने से TMS में भी कड़ाई कर दी गई है। यहां 24 घंटे के पास होल्डर को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, साथ ही पुरुष मरीज के साथ पुरुष अटेंडर को ही स्वीकृत किया जा रहा है।
उधर शनिवार को श्रमिकों और इलाज कराने गए वेलोर में लोगों को लेकर विशेष ट्रेन टाटा नगर स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में कुल 1500 लोग टाटा नगर स्टेशन पहुंचे और राहत की सांस ली। इस महामारी काल में देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों, छात्रों व अन्य लोगों को लेकर चौथी राहत की ट्रेन टाटा नगर स्टेशन पहुंची। इस दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के वरीय अधिकारियों के अलावा उपायुक्त, एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी परिसर में मौजूद रहे। ट्रेन के पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक एक यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेन से कुल 1485 यात्री टाटा नगर स्टेशन पहुंचे, जिन्हें विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेन अराइवल के बाद पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगा होगा। बहरहाल इस दौरान बसों का भी इंतजाम किया गया था, जिनके माध्यम से यात्रियों को गंतव्य तक भेजा गया। साथ ही साथ कुछ जो बीमार लोग वेलोर में चिकित्सा लाभ के लिए गए हुए थे वो भी लौट रहे हैं। कुछ और भी परिवार जो लौट रहे हैं उनके साथ में सभी लोग हमारे जिले के और अन्य जिलों के निवासी हैं। कुल लगभग 1485 लोगों के आने की सूचना प्राप्त है और इसका कंफर्मेशन एक बार जब सभी बताएंगे। उधर चांडिल अनुमंडल अस्पताल परिसर में खड़ी एक इंडिका कार में अचानक आग लग जाने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। चांडिल अनुमंडल का एक परिवार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जाने के क्रम में स्वास्थ्य जांच कराने अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। इसी क्रम में परिसर में खड़ी इंडिका कार में अचानक आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, मगर तब तक कार का अधिकांश हिस्सा झुलस चुका था। उस वक्त कार के भीतर कोई नहीं था। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सांसद विद्युत चरण महतो ने इस वैश्विक महामारी के दौर में पशुधन की रक्षा के लिए जुगसलाई स्थित गौशाला को 3 लाख रुपयों की सहायता राशि प्रदान की है। इस वैश्विक महामारी के दौर में सांसद विद्युत चरण महतो ने मानवता का परिचय देते हुए बेजुबान पशुओं की सेवा का जज्बा दिखाया है। उन्होंने जुगसलाई और चाकुलिया स्थित गौशाला को 3-3 लाख का चेक प्रदान किया। इन दोनों गौशालाओं में फंड का अभाव था और पशु चारा की कमी भी थी। उन्होंने कहा कि ये निजी तौर पर मदद है और आगे भी करते रहेंगे। पशु जो हमारे काफ़ी सेंसिटिव है, अवला है, उनको बोल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे गौशाला के पदाधिकारी हैं, चाहे जुगसलाई हो और भी जिले के अंदर में हो, ये लोग आए नहीं। 100 साल से एक बड़ा विरासत इन्हें मिला है और उनको लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आज के दौर में आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है सब किसी का कि भाई अपने से सब करें, तो गौ माता की सेवा के बारे में बातचीत हुआ कि जैसे गौशाला है और भी 2-3 गौशाला है, तो यहाँ और ध्यान फाउंडेशन चाकुली है। उधर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और गरीबों के बीच भोजन और राशन का वितरण जारी है। सोनारी में समाज सेवी मानिक साहू और पूजा दास ने भी गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और गरीबों के बीच राशन व भोजन का वितरण विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों द्वारा जारी है। इसी क्रम में शनिवार को सोनारी स्थित सिनेमा मैदान में समाज सेवी मानिक साहू और पूजा दास ने जरूरतमंदों के बीच राशन के साथ साथ फेस मास्क का भी वितरण किया। इस मौके पर करीब 50 चिन्हित परिवारों को भोजन व राशन प्रदान किए गए। इस दौरान गंगा प्रसाद, भरत गढ़वाल, राजू सिन्हा व अन्य मौजूद थे। कोविड-19 के थ्रू जो अपने समाज के गरीब तबके के लोग जो हैं, चावल तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन आटा नहीं मिल पाया, तो हम लोग अपने समाज के थ्रू और अपने समाज के लोगों को आटा और आलू, प्याज, साबुन, सर्फ, मास्क, ये सब वितरण किए। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर।
द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस. कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538. सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए. अब अच्छे दिन आ गए हैं. जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करे खरीदारी. बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में. आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ. एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर. चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार. बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी. फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप. रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं. सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ. तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं. सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर. इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम. ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी. स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक. क्रीम रोल, फ्रूट केक, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशलिस्ट. Please do visit with your friends and family.